अक्षय कुमार फिल्मों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। एक पाकिस्तानी व्यक्ति ने अभिनेता से उनकी 2021 की फिल्म बेल बॉटम के अपने देश के चित्रण के बारे में संपर्क किया। रंजीत तिवारी की फिल्म 1980 के दशक के भारतीय अपहरण से प्रेरित थी। अक्षय ने रॉ एजेंट की भूमिका निभाई। एक पाकिस्तानी लड़के ने अभिनेता से कहा, मैं आपके पड़ोसी देश से हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। पैडमैन और शौचालय महान है, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है, आपकी फिल्म बेल बॉटम पाकिस्तान विरोधी है। अक्षय ने कहा, यह एक फिल्म है, घबराओ मत, फिल्म यह आम है सर, यह एक फिल्म है, कोविड के बाद 2021 में रिलीज होगी। बॉक्स ऑफिस पर असफलता। अक्षय ने सामाजिक नाटकों और कॉमेडी में उनका समर्थन करने के लिए दर्शकों को धन्यवाद दिया। एलिफ, सिंग इज किंग, पैडमैन और टॉयलेट एक प्रेम में मुझे स्वीकार करने के लिए मैं दर्शकों का आभारी हूँ। कथा, उन्होंने 140 से 150 फिल्में पूरी की हैं। अक्षय कुमार रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बोलेंगे। बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज, रक्षा बंधन और राम सेतु सभी इस साल फिल्म कार्यालय में फ्लॉप रहे।